हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये है बिटमिन कंपनी का स्पीड मीटर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसकी देख लेते हैं फटाफट, इसकी इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी छोटी सी वीडियो है, कृपया वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। तो देख सकते हैं आप, ये इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ से ये ओपन होता है और इधर इसके अंदर काफ़ी आइटम निकलेगा इसके। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसकी यूज़र गाइड काफ़ी लंबी है इसकी, आप देख सकते हो इसको। और इसके अंदर आपको मिलता है, एक मिनट थोड़ा ऐसे ओपन कर लेते हैं, अंदर हाथ हैंड जाएगा नहीं, अंदर हाथ तो निकाल लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो ये रबड़ रिंग मिल रही है आपको इसके अंदर, काफ़ी रबड़ रिंग है, इधर इधर बिखर गई थी। तो जैसे जैसे बाईसाइकिल आप में जैसे आपकी बाईसाइकिल है वैसे ही इसमें आप सेट कर सकते हो। रबड़ रिंग है ये काफ़ी, तो डिजाइन की एक छोटा सा ये चुंबक, मैटिकली चुंबक जो आपके यहाँ पे लगाया जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, तो ये इस क्रॉस पे लगाया जाएगा। इस क्रॉस पे लगाने पर ये आपका मीटर काम करेगा। इसमें कोई लेंथ वगैरह नापने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीट स्टॉक मतलब कम्प्लीट है ये, इसको में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये इसमें एक कवर निकला है ये, तो अब ये इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये है इसका मेन पार्ट जो नीचे लगेगा इसमें यहाँ पे। तो आप इसको इधर भी लगा सकते हो और उधर भी, दोनों तरफ किधर भी लगा सकते हो। मैं इसको इधर लगाता हूँ, तो आप देख लीजिए कैसे लगता है ये कंप्लीट। तो ये रबड़ रिंग के द्वारा यहाँ से फंस के लग जाएगा। तो इसमें एक ये है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से ये इसके अंदर ऐसे फिट होके और ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसको रबड़ रिंग को ऐसे लगा देंगे, ये आप देख सकते हो इधर लग गया है ये। और इसमें ये एडजस्टल के लिए होता है, यहाँ से इसको घुमा के आप टाइट कर सकते हो। यहाँ से इसको घुमा के टाइट कर दिया। और अब उस जो चुंबक के लिए मैंने बताया था कंप्लीट ये वाला, तो इसको क्यों भी यहाँ से ऐसे लगा देंगे, इसमें भी थोड़ा खोलना पड़ेगा तब ये लगेगा। जिस तरह से मेंशन है उस मैनुअल गार्ड में कि आप यहाँ से इसको 5 mm की दूरी पे रखेंगे ओनली, तो ये यहाँ पे जैसे टायर घूमेगा मतलब रनिंग करोगे आप, तो ये मीटर बिल्कुल कंप्लीट बताएगा। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे। तो ये है इसका मेन पार्ट जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसके ऊपर एक पन्नी है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से रिमूव कर दी पन्नी, ये सेफ्टी के लिए होती है, तो यहाँ से रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो बिटमिन 120 के नाम से आता है ये, 120 के नाम से। और आप देख सकते हो पीछे है डिकैथलॉन मेड इन चाइना, और ये ओपन कैसे होता है सब कुछ इसके अंदर डिटेल्स मेंशन है। ऊपर इसका रीस्टार्ट का बटन है और यहाँ ऊपर नीचे करने का, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया ऑन, ये देख सकते हो आप यहाँ पर ऑन हो गया है, तो हेलो लिखा हुआ आया है। तो आप देख सकते हो ये इसमें ऑलरेडी टाइम सेट है हुआ है, मतलब उन्होंने करके दिया था मेरे को वहाँ से। और इसमें किलोमीटर भी बताएगा कंप्लीट। तो इसको ऊपर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ऊपर फ्रेम उस पर थर्ड लैस के ऊपर ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। देख सकते हो उसी रिंग द्वारा इसको भी ऐसे लगा दिया है, ये मिला था इसके साथ। तो इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रोट होके ये यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। अब ये कितना भी आप बाइक को हिलाओ ये यहाँ पे निकलेगा नहीं, कैसे भी बाइक को आप पटक सकते हो, मतलब निकलने का काम नहीं है इसका। ये एक बार फिट हो जाता है तो फिर यहाँ से निकलता नहीं है। तो आपको इसको ये आप कभी भी इसको हटा के ले जा सकते हो ऐसे, और कभी भी इसको वापस लगा सकते हो, आपके बैग में रख सकते हो इसको, कोई निकाल ना ले इसलिए। तो ये देख सकते हो आप, इसमें कर दिया इंस्टॉलेशन। तो अब इसको थोड़ा टायर को घुमा के देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली है कंप्लीट। जहाँ पे इसको लगाना होता है वो रिंग के आरओ के दोनों जॉइंट पे इसको लगाना होता है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कहाँ लगाना होता है इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आरओ के बीच में लगाया हुआ है, ये वाला आरओ के बीच में यहाँ पे लगाया हुआ है कट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको लगाना है। अब मैं टायर को रोलिंग करता हूँ, दिखाई मीटर देखते हैं मीटर काम करता है नहीं करता है। तो आप देखिए, और इसको भी यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको, तब ये टाइट हो जाएगा यहाँ से। और इसको भी यहाँ से टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट हैं ये दोनों। तो आप इसको घुमाते हैं टायर को, तो आप देख सकते हो टायर घूम रहा है, तो और ये मीटर भी यहाँ पे काम कर रहा है। 8.2 स्पीड मतलब कम होती जा रही है, 7.7। अब टायर जैसे बंद हो जाएगा तो ये मीटर भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, देखो बिल्कुल स्लो होता चल रहा है, तो स्लो हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे नए मानों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हो ये टायर बिल्कुल बंद हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया है। तो शेयर करिए अपने दोस्तों को, अगर उनको बाईसाइकिल की ऐसी स्पीडोमीटर की वीडियो चाहिए तो, और कैसे उनको लगाना होता है ये पूरा कंप्लीट बता दिया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आपको नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर साइकिल बाईसाइकिल के बारे में पूरी डिटेल्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।